तो ये बात सब गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए पीक ऑफ ट्रू मास्टर आर्टिस्ट सीजन 2 का एपिसोड 23 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि निफेंग जो है वहाँ पर मास्टर आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था। सेल्टिंग सन टेक्निक को परफॉर्म करता है जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो फायर एनर्जी था उसने जो कलर बदल लिया था और वो जो है पर्पल कलर का हो जाता है। कि निफेंग ने जो है पर्पल सन रेडियंट टेक्निक को परफॉर्म किया था तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है जो कि पर्पल कलर का था। पर्पल कलर का एनर्जी बीम जनरेट हो जाता है। तभी हम निफेंग को देखते हैं जो कि फिर कोई और टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि आसमान से बहुत ज़्यादा एनर्जी का गोला, फायर एनर्जी का गोला गिरने लगता है और वो जो चारों तरफ फैल जाता है। तब हम देखते हैं कि निफेंग जो है फिर से कोई और टेक्निक परफॉर्म करने लगता है और फिर वो अपना शॉट भी चार्ज कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि निफेंग के पास एक टोर्नेडो अपीयर हो जाता है और निफेंग जो है एक फायर एनर्जी सर्कल के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि निफेंग कोई और टेक्निक परफॉर्म करता है अपना शॉट चार्ज करते हुए और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फायर एनर्जी शॉट अपीयर होने लगता है और वो सब जो है उस सर्कल के चारों तरफ घूमने लगता है। तभी निफेंग जो है उस टेक्निक को उस फाइनली परफॉर्म कर देता है। अब पूरा ख़त्म करने के बाद हम देखते हैं कि निफेंग जो नीचे आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश था, जहाँ पर वो बोलता है कि फाइनली कि मैंने जो फाइनली फोर्थ शॉट मूव को क्रिएट कर दिया। और हमें पता चलता है उसके द्वारा कि इस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद निफेंग का जो पूरा प्योर यंग बॉडी है वो पूरा फाइनल फॉर्म में आ जाता है। तभी निफेंग बोलता है कि देखो कि इस टेक्निक से मेरा पूरा बॉडी इग्नाइट हो जाता है, इसलिए मैं इसका नाम प्योर यंग इन्फर्नो रखूंगा। तभी निफेंग बोलता है कि अब फाइनली टाइम आ चुका है ट्रू सॉल रिलम में ब्रेक थ्रू करने का और वो तैयार हो जाता है, बैठ के कल्टिवेशन करने लगता है और उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि निफेंग के माइंड का सीन जहाँ पर वो फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव फॉर्म में बाहर आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि निफेंग के पीछे उसका एक क्लोन जो कि फायर एनर्जी से बना हुआ था वो अपीयर हो जाता है। तभी निफेंग बोलता है कि अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है सोल स्लीपिंग रिलम से तो मुझे जो है की वर्ड याद रखना पड़ेगा, जो कि यह है कि उसको जो है अपना पूरा सोल को अपने बॉडी से पूरा मर्ज करना पड़ेगा और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ही कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। लेकिन निफेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तो सबको हैंडल कर लूँगा और वो तैयार हो जाता है, कल्टिवेशन करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। तभी हम आसमान का सीन देखते हैं जहाँ का माहौल पूरा चेंज हो जाता है, जैसे कि मानो कि निफेंग का अब ब्रेक थ्रू होने वाला है। तो तभी हम देखते हैं कि यह चीज़ देखकर निफेंग बोलता है कि फाइनली हेवनली पनिशमेंट आ चुका है, मुझे इस चीज़ को कैसे भी इंड्योर करना पड़ेगा, यानी कि हैंडल करना पड़ेगा, तभी जो है मैं जाके ट्रू सोल सर्किंग गैलरी में पहुंच सकता हूँ। और वो तैयार हो गया था, कल्टीवेशन करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक एनर्जी बीम गिरता है निफेंग के स्पिरिचुअल बॉडी पर। तो हम देखते हैं कि निफेंग का हालत ख़राब हो गया था और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो एनर्जी बीम खत्म हो गया था और वो स्पिरिचुअल बॉडी भी निफेंग के अंदर चला गया था। तभी हम देखते हैं कि निफेंग ने जो है अपना एनर्जी को कंट्रोल कर लिया था और फिर वो फिर से अपना एनर्जी को पूरा रिलीज़ करने लगता है। तभी निफेंग को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक एनर्जी बीम आसमान की तरफ फेंकता है और इसका पावर उस हेवनली पनिशमेंट से भी ज़्यादा था, क्योंकि इससे जो बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो हो रहा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि निफेंग का एनर्जी के कारण, ब्रेकथ्रो के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा माहौल चेंज हो गया था और चारों तरफ उसका एनर्जी फ्लो हो रहा था। निफेंग ने जो फाइनली ट्रू सोल स्लीपिंग रिलम को ब्रेकथ्रो कर लिया था तो निफेंग खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैं जो मास्टर किंग बन चुका हूँ और अब मैं देखता हूँ कि मुझे कौन हल्के में लेता है और जो 8 सेक्ट हैं मैं उन सबको हैंडल कर लूँगा। लेकिन हाँ, उन सारे सेक्ट में एक ऐसा मार्शल मास्टर मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और बोलता है कि उन लोग का आने से पहले मुझे जो है सब चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। बोलता है कि सबसे पहले मैं वान जियान सेक्ट जाऊँगा क्योंकि उस सेक्ट का सबसे पावरफुल शॉटमैन शिप माना जाता है, यानी कि तलवारबाज उसका टेक्निक, तो मेरे ख्याल से वो वाकई में मेरे लिए यूजफुल होगा। पर अगर वो चीज़ मुझे मिल जाता है तो मैं जो और ज़्यादा पावरफुल टेक्निक क्रिएट कर सकता हूँ और वैसे भी मैंने तो जियान फेंग से प्रॉमिस किया है इसके लिए, तो मुझे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। अब बोलता है कि उसके बाद फिर मैं जो है जियांग सेक्ट जाऊँगा क्योंकि वहाँ जो है जियांग फ्लेम मौजूद है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा कल्टिवेशन करने के लिए, क्योंकि उस चीज़ का यूज़ करके मैं जो पीक ट्रू सोल स्लीपिंग रिलम में जल्दी पहुँच सकता हूँ। और फिर तभी वो बोलता है कि वैसे भी इसका पहले वाले लाइफ में इन तीनों क्लैन ने मिलकर मुझ पर हमला किया था कि उसके बाद फिर मुझे जो है बिंग चैन सेक्ट जाना पड़ेगा
क्योंकि वहाँ पर मुझे रूबिन का केयर करने के लिए बिंग चेंग सेक का स्वाडमैनशिप चाहिए होगा। और फिर तभी निफेंग वहाँ से चला जाता है और हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम निफेंग को देखते हैं जो कि अपने नई रेजिडेंस में आया हुआ था। तभी वो जो है वहाँ पर अपना कोई टेक्निक परफॉर्म करता है, कोई फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि नई रेजिडेंस के चारों तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव जनरेट होता है चारों तरफ से, और एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। तो इस चीज़ को देखकर मास्टर वांग बोलता है कि निफेंग आखिर में यह चीज़ क्या है, ये तो मैंने पहली बार देखा है। तो ऐसा बात सुनकर कहता है कि मुझे जो है यह चीज़ एक रुइंस में मिला था जब मैं गया था, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन हाँ अच्छा खासा पावरफुल है, अच्छा खासा बंडल लोग को हैंडल कर सकता है। तो ऐसा बात सुनकर मास्टर वांग बोलता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा जीनियस हो और इंटेलिजेंट भी हो, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होगा तो हाउटिंग क्लैन हमला भी कर सकता है, इसे तुमने ये शहरों को बनाया और इस चीज़ की मदद से हम लोग जो हाउटिंग क्लैन और इनेमिस को बाहर रख सकते हैं नई रेसिडेंस के, कुछ दिनों तक उन लोग को हैंडल भी कर सकते हैं, और ये वाकई में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा हम लोग का फ्यूचर में। तो निफेंग बोलता है कि चिंता मत कीजिए, इस एरे पर जो है मैंने कुछ स्पेल कास्ट कर दिया है, तो अगर इस पर कोई अटैक करता है तो मुझे उस चीज़ का सेंस हो जाएगा और मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा जल्द से जल्द वापस आने का कोशिश करूँगा। और फिर तभी वो एक तलिस्मान निकाल लेता है बाहर और उस तलिस्मान को जो है मास्टर वांग को दे देता है। और मैं और जियान फेंग जो है यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है हमारे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों जाने रखते हैं, और हम देखते हैं कि उन लोग दोनों जो है वैन जियान सेक्ट में पहुंच गए, जहाँ पर उन लोग जैसे ही एंटर करता है उन लोग का एरिया में एक एंडर आ जाता है वैन जियान सेक्ट का, बोलता है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो ऐसा बात सुनकर जियान फेंग बोलता है कि आखिर में जियान कुंग कहाँ है, उसको जल्दी से बाहर निकालो, क्या वो गधा डर चुका है। तो यह बात सुनकर वो एल्डर बोलता है कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ हमारे सेक्ट के मास्टर किंग को ऐसा बेइज्जती करके बात करने का। तो ये सब बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान फेंग को गुस्सा आ जाता है और फिर वो जो है उस एल्डर पर अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड की मदद से। तो हम देखते हैं कि वो एल्डर उसका स्वॉर्ड नहीं रोक पाता है, और उस टेक्निक को देखकर वो एल्डर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर में तुम्हारे पास जियान फैमिली का टेक्निक कहाँ से आया और तुम हो कौन। तभी हम देखते हैं कि जियान फेंग बोलता है कि जियान कुंग कहाँ पर हो तुम, जल्दी से बाहर आओ। और हम देखते हैं कि निफेंग को देखकर वहाँ पर कुछ बंदे लोग बात करने लगते हैं कि आखिर में इतना कम उम्र में कोई मास्टर किंग कैसे बन सकता है। तो तभी दूसरा बंदा बोलता है कि या तो निफेंग या हाउटिंग सेक्ट से, हाउटिंग क्लैन से, और जब मैं इसे पहली बार मिला था तो यह तो बस इनिशियल स्टेज ऑफ सोल सीकिंग रियलम में था, तो यह मास्टर किंग कैसे बन गया इतना कम साल में ही। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं जियान कुंग को जो कि कल्टिवेशन कर रहा था, तभी वहाँ पर एनर्जी का वो अपना ब्लास्ट करता है और हम देखते हैं कि वो स्माइल करते हुए वहाँ से आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है निफेंग और जियान फेंग के सामने आ गया था। और फिर तभी उसका नज़र जब निफेंग पर पड़ता है तो बोलता है कि निफेंग कि मैंने तुम्हारे बारे में वाकई में बहुत कुछ सुना था और वो सब सच भी है, तुम इतने कम उम्र में ही ट्रू सोल सीकिंग रियलम में पहुँच चुके हो, मास्टर किंग बन चुके हो, और तुम तो हाउटिंग सेक्ट हाउटिंग क्लैन के पैट्रियार्क से भी पहले बन चुके हो मास्टर किंग। आप बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि वैन जियान सेक्ट और हाउटिंग सेक्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। आप बोलता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं जो 100 साल पहले ट्रू सोल सीकिंग रियलम में पहुँच चुका हूँ, और अब तो मैं पीक ट्रू सोल सीकिंग रियलम में पहुँच चुका हूँ, और मेरे पास तो वैन जियान सेक्ट का हिडन वेपन भी है, तो मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, और तुम बहुत ज़्यादा यंग हो मुझे मारने के लिए, और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और बोलता है कि तुम वापस से चले जाओ हाउटिंग सेक्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पीस है वो डिस्ट्रॉय हो। तो ये बात सुनकर निफेंग हैरान होता है, अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मास्टर हाउ गुआंग ने जो है मेरा बिट्रेयल का बात अभी तक बताया नहीं है सब क्लैन वाले को, और बोलता है कि ये तो और फिर वो जो है जियान कुंग को बोलता है कि हाँ तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं है, लेकिन जो मेरा बगल में बंदा है उसके और तुम्हारे बीच में कुछ है। तो हम देखते हैं कि जियान कुंग उस बंदे को ध्यान से देखने लगता है। तभी निफेंग बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमने जो जियान लिंग फैंग के साथ जो गलत किया था उसका बदला लेने के लिए आया हूँ। तो जियान कुंग जियान लिंग फैंग का नाम सुनकर हैरान होता है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।